चांद के चारों तरफ अब चंद्रयान तीन के सारे ऑर्बिट मैनुअल पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान तीन चंद्रमा की पांचवी कक्षा और आखिरी कक्षा में पहुंच गया है, यानी चंद्रमा की सतह के और करीब हो गया है। ये 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट है। अब चंद्रयान तीन की कोई ऑर्बिट नहीं बदली जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान तीन का इंजन एक मिनट के लिए ऑन किया। इससे पहले वो 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 17 अगस्त चंद्रयान तीन के लिए काफी अहम होने वाला है। इस चंद्रयान तीन के प्रपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 20 अगस्त को चंद्रयान तीन के लैंडर मॉड्यूल की 2:15 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। चंद्रयान तीन में लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल है। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 6:15 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और 14 दिन तक रिसर्च करेगा। सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान तीन पर नजर बनाए हुए है। इसरो ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी, चंद्रयान तीन को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रयान तीन का युद्ध अभ्यास पूरा हो गया है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। लैंडर मॉड्यूल को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान तीन का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर किसी कारणवश इंजन फेल भी हो जाता है तो भी ऐसी स्थिति में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। गौरतलब है कि प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। बता दें कि 22 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान तीन 5 अगस्त की शाम 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को इसके ऑर्बिट को घटाया गया था। चंद्रयान तीन के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत लैंड कराने वाला 4था देश बन जाएगा। बता दें कि चंद्रयान तीन को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों की निगाहें भारत के चंद्रयान तीन पर टिकी हुई हैं।